अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कर देंगे, उनको बिल से खोजकर सबक सिखाएंगे, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में जवानों ने 30 नक्सलियों को ढेर किया है। उम्मीद है कि आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ ये जवानों का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन है। और इस मुठभेड़ में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी जवान के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जवानों ने मौके से ऑटोमेटिक AK-47, SLR जैसे हथियार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किए हैं। अब जरा ये सोचिए कि नक्सली कितने अपग्रेड हो चुके हैं, उनके पास AK-47 जैसे हथियार भी हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन से जवानों के हौसले अब बुलंद हैं। ऐसी जानकारी है कि पिछले 8 महीनों में अलग अलग घटनाओं में 165 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। पुलिस को ऐसा इनपुट मिला था कि नारायणपुर और उसके आसपास के इलाकों में कुछ नक्सलियों की मूवमेंट देखी गई है, और इसके बाद जवानों ने मोर्चाबंदी करते हुए इलाके की सर्चिंग की, और इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों के ऊपर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 30 नक्सलियों को मार गिराया। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ अब भी जारी है। अंधेरा होने का फायदा उठाकर कई नक्सली भागने में कामयाब भी हो गए हैं, और फिलहाल जवानों के इस ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा दलों के लिहाज से ये बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार अपडेट भी ले रहे हैं।